नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चॉबलक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स रेली रिक्वायरमेंट 2020 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के सभी डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों के लिए एयरफोर्स ने एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड में रेली की घोषणा कर दी है। इसके ऑनलाइन फॉर्म 27 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे से 28 सितंबर 2020 को शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, जैसे इसका 27 सितंबर को लिंक एक्टिव होता है आपको हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इस रैली में सम्मिलित होने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और इसी के साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपके कंसेंट फॉर्म, इसकी पीडीएफ का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। बात करेंगे कि इसको आपको किस प्रकार से फिलअप करना है और कहां पर साथ में ले जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, देते हैं पूरे ही डॉक्यूमेंट संबंधी आपको जानकारी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि आप चैनल जॉबलक पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की वैकेंसीज की वीडियोज की नोटिफिकेशन इससे आपको मिलती रहेगी। देन फ्रेंड्स, एयरफोर्स की इस रेली रिक्वायरमेंट का फुल डिटेल नोटिफिकेशन चैनल पहले से उपलब्ध है, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करके या फिर चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स आते हैं मुद्दे की बात पर कि इस रेली रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में ले जाने हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर आपको डेट्स बता दूं कि 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2020 तक ये रैली आपके आयोजित की जाएगी राजस्थान के ऑल डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थियों के लिए, और इसका आयोजन स्थल आपके जोधपुर रखा गया है जो कि यहाँ पर मेरा मूल निवास है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं एट लास्ट आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आपका जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड निकलेगा उसको आपको साथ में ले जाना है, और हो सके तो उसकी एक दो कॉपी भी आप करा लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट रहता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, ठीक है। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर साथ में ले जानी है एक HB पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, ग्लू स्टिक यानी चिपकाने के लिए गोंद, स्टेपलर यानी स्टेपलर, और ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले जाना है साथ में, ठीक है। इतने सब कुछ यहाँ पर आपको साथ में ले जाने हैं, और उसी के साथ आपको साथ अपनी फोटो ले जानी है, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ले जानी है, और आपको ध्यान रखना है कि आपकी वह फ़ोटो एकदम नई होनी चाहिए, और उस फोटो पर आपके हाथ में स्लेट होनी चाहिए, और उस स्लेट पर चौक से लिखा होना चाहिए डेट ऑफ फ़ोटो, यानी किस दिन आपने ये फ़ोटो को खिंचवाया उसकी डेट ऑफ फ़ोटो उस स्लेट पर आपके लिखी होनी चाहिए काली तख्ती पर, ठीक है। ये 7 फोटो आपको अपने साथ में ले जाने, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी 10वीं की अंक तालिका और उसकी 4 फोटोकॉपीज़ को अपने साथ में ले जाना है। कितनी? 10वीं की अंक तालिका ओरिजिनल साथ में ले जानी है, और उसी के साथ आपको अपनी उस 10वीं की अंक तालिका की 4 फोटोकॉपी साथ में ले जानी है। इससे क्या होगा भाई, इससे होगा कि यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन इस अंक तालिका को देखकर किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर ये इनमें से कोई भी एक चीज़ आप अपने साथ में नहीं ले जाते हैं तो आपको रैली में सम्मिलित होने के लिए बाहर कर दिया जा सकता है, यानी सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल पूरा सावधानी बरतते हुए इन सभी चीज़ों को साथ में ले जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो पासपोर्ट साइज़ की 7 फोटो होनी चाहिए वो सितंबर 2020 से यानी सितंबर 2020 की डेट ही उस पर लिखी होनी चाहिए, पुरानी तिथि कोई भी नहीं चलेगी। अगर पुरानी कोई डेट होती है तो आपको यहाँ पर रैली में नहीं सम्मिलित किया जाएगा। साफ और स्पष्ट लिख रखा है टेकन नॉट बिफोर सितंबर 2020, यानी अभी की नई फ़ोटो खिंचवाओ पासपोर्ट साइज़ की, और उसकी स्लेट पर आपका यहाँ पर डेट ऑफ पिक लिखा होना चाहिए, और डेट ऑफ पिक सितंबर से बाद का लिखा होना चाहिए, यानी सितंबर की कोई भी डेट होगी तो चल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, तो 10वीं की अंक तालिका और 4 फोटोकॉपी मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद फ्रेंड्स वे बंदे जो यहाँ पर 3 ईयर के डिप्लोमा के हिसाब से इस वैकेंसी में भाग ले रहे हैं उन सभी को यहाँ पर 10वीं की अंक तालिका की 4 और फोटोकॉपी साथ में ले जानी होगी, ठीक है ना। साफ और स्पष्ट लिख रखा है कि मैट्रिकुलेशन मार्कशीट आपको साथ में ले जानी है, और उसी के साथ 4 आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में ले जानी है। ये जो साइंस वाले हैं अपने 12th वाले, इनको केवल 4 फोटोकॉपी और अंक तालिका ही साथ में ले जानी है, ओरिजिनल जरूर साथ में ले जाना। उसके बाद फ्रेंड्स जिसने भी यहाँ पर 12th साइंस के बेस पर इस रैली में रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो यहाँ पर अपनी 12th की मार्कशीट और उसकी 4 फोटोकॉपी साथ में ले जाएगा, और उसके बाद जो भी डिप्लोमा के आधार पर यहाँ पर
जो अपना फॉर्म फिलअप कर रहा है तो वो अपने डिप्लोमा के ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट, आपके फाइनल सेमेस्टर की नहीं ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट्स आपको साथ में ले जानी है और उनकी चार चार फोटोकॉपीज आपको साथ में ले जानी है। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके इम्पोर्टेंट हैं पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये हैं कि आपको ओरिजिनल मूल निवास और उसकी चार फोटोकॉपी साथ में ले जानी है। इसके बिना तो कोई काम ही नहीं चल सकता है क्योंकि ओपन भर्ती रैली है। और उसके बाद अगर आप सर्विसमैन के यहाँ पर रिलेशन में है तो आपको वो रिलेशन सर्टिफिकेट साथ में ले जाना है, और यदि आप सर्विस में है तो आपको उस सर्विस का यहाँ पर सर्टिफिकेट साथ में ले जाना होगा और उसी के साथ आपको उनकी चार चार फोटोकॉपी साथ में ले जानी होगी। देन फ्रेंड्स आगे बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स जिनको यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया है इंडियन आर्मी इंडियन नेवी द्वारा, तो यहाँ पर उनको उसका यहाँ पर जो ओरिजिनल और चार फोटोकॉपी साथ में ले जानी होगी एनओसी की, ठीक है। और यदि आपने यहाँ पर एम्प्लॉयर हैं आप तो आपको यहाँ पर एनओसी की चार फोटोकॉपी और ओरिजिनल साथ में ले जाना होगा, और यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल और चार फोटोकॉपी आपको साथ में ले जानी होगी। एनसीसी एबीसी कोई भी होगा उस वो चलेगा, वो आप साथ में ज़रूर ले जाएगा, उसका आपको यहाँ पर अलग से बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूँ कि होता तो ये है कि एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट रिलीज होती है या फिर रिक्वायरमेंट वैकेंसीज होती हैं उसके अंतर्गत आपको कंसेंट फॉर्म वहीं से दे दिया जाता है, पर इस बार यहाँ पर ये आप अपने साथ में ले जाइएगा क्योंकि COVID-19 को देखते हुए हो सकता है कि वहाँ से आपको नहीं दिया जाए। तो इस कंसेंट फॉर्म का जो PDF का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा दूँगा, आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको इसको फिलअप कैसे करना है, तो अगर आपकी एज 18 वर्ष से अधिक है तो आप खुद इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अगर आपकी एज 18 वर्ष से कम है तो आपको अपने गार्जियन यानी पेरेंट्स से इस फॉर्म को फिलअप करवाना होगा। तो ध्यान रखिएगा एक दो फोटोकॉपी निकालवा लीजिएगा जिससे यहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक के हैं तो आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है, और साथ ही देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सन पर टिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देना है, और देन फ्रेंड्स सबसे नीचे आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है और अपना नाम लिख देना है, और रिलेशनशिप विद कैंडिडेट तो यहाँ पर आप सेल्फ लिख सकते हैं यानी खुद आप ये कर रहे हैं। देन फ्रेंड्स अगर आपकी एज 18 वर्ष से कम है तो आपके पेरेंट्स या गार्जियन द्वारा इस फॉर्म को फिलअप करवाना होगा, तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स या गार्जियन का नाम लिखेंगे, और उसके बाद जो भी आपके फादर से भरवा रहे हैं या फिर आपके संरक्षक के भरा रहे हैं जो भी उसको आप टिक कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी, और उसके बाद फ्रेंड्स आपके पेरेंट्स या गार्जियन के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, और रिलेशनशिप विद कैंडिडेट यहाँ पर आप लिखा जाएगा कि आपके साथ उनका यहाँ पर क्या रिश्ता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। इसके बारे में यदि कोई भी डाउट है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या तो रिप्लाई के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको आपकी समस्या का समाधान दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, बने रहिए चैनल जॉबलक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। और हाँ फ्रेंड्स अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इंडियन एयरफोर्स ही नहीं अन्य वैकेंसीज की सूचना की वीडियो भी आप तक पहुँचती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।